बारिश भाई बहुत तेज हो रही है और साथ में पार्किंग मिली है बहुत दूर। भाई इतने बड़े कचालू कभी देखे जिंदगी में। हे गाइस, वेलकम बैक टू सेकंड डे ऑफ द मसूरी सीरीज। तो वही अब मॉर्निंग हो गई है, कल बहुत थक गए थे तो अब उठे हैं, तो अब नेक्स्ट अब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है उधर। एंड वेदर देखो बाहर भाई जबरदस्त मज़ेदार। ये भाई साहब भी आ चुके हैं। यहाँ पे बहुत बंदर हैं। ये विजिबिलिटी है बार की आज। कुछ भी नहीं दिख रहा दूर दूर तक। और ये रिजॉर्ट हमारा, ये देखो बहुत बढ़िया मौसम है इस टाइम पे। आज मौसम हो गया भाई जैकेट वाला, ठंड लग रही है अच्छी खासी, टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया। एंड बस अब चलते हैं रूम में, तैयार होते हैं एंड आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। एक दो चीज़ें कुछ करेंगे आपको दिखाएंगे एंड बने रहो। सो तैयार होकर निकल चुके हैं और कंपनी गार्डन की तरफ जा रहे हैं भाई, क्योंकि पहले धनौल्टी वगैरह का बना रहे थे प्लान, बट वेदर इतना सही नहीं है तो सब मना कर रहे हैं कि वहाँ मत जाओ, कुछ दिखेगा नहीं और थोड़ा रिस्की भी रहेगा। तो कंपनी गार्डन जा रहे हैं और एक आई गेस पॉइंट कौन सा है वो जो ट्रॉली जाती है ऊपर, क्या नाम, गन हिल, वहाँ जाएंगे। दो जगह तो करेंगे करेंगे, बाकी फिर कुछ खाएंगे पियेंगे एंड सब दिखाते हैं आपको। ये रिजॉर्ट है और ये रिजॉर्ट के बाहर की देखो भैया व्यू, सारे बादल उड़ के जा रहे हैं भाई। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है नहीं दिख रहा प्रॉपर्ली, बट क्या व्यू आ रहा है भाई। कंपनी गार्डन तक का भी सफर स्टार्ट हो चुका है, गाड़ी में बैठ गए और अब बस चलते हैं। और आई गेस हार्डली 3-4 किलोमीटर का रास्ता है और कितने 20-25 मिनट लगेंगे इसमें जाने में, तो अब सीधा कंपनी गार्डन में मिलेंगे आपको। कंपनी गार्डन आ तो गए हैं बट बारिश भाई बहुत तेज हो रही है और साथ में पार्किंग मिली है बहुत दूर। बेस्ट कॉम्बिनेशन, क्योंकि वाटरफॉल भी है वहाँ पे, वो भी देख लेते हैं जरा क्या बना रखी है उन्होंने। इंद्रदेव आज ज़्यादा ही मेहरबान हो गए हैं, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही भाई, धड़ाधड़ धड़ाधड़ फुल बारिश। अब आगे देखते हैं क्या है, एक लेक है या बोटिंग होती है यहाँ पे, बट बोटिंग तो मेरे को लगता है बारिश में हो नहीं रहेगी, बंद हो रखी होगी। ये रीफ भाई, ये बोटिंग होती है यहाँ पे। छोटी सी लेक है, बना रखी है मैनमेड टाइप की, फूड कोर्ट है भाई। अभी अब यहाँ देखते हैं क्या कुछ मिलता है, बच्चों के लिए स्विंग्स वगैरह भी लग रहे हैं इसमें, बाकी ये सब खाने पीने वाले। कॉफ़ी कॉफ़ी लेमन टी, आड़ू वाली ना ही भाई, ये तो बहुत मैंडेटरी चीज़ है, मज़ा आ गया। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, एक घंटे से इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बट अब मन का निकल पड़ो बस भाई, और पूरे गीले हो चुके हैं, अभी भी तेज़ बारिश है पूरी। फाइनली कंपनी गार्डन से आ गया हूँ, पूरे गीले हो चुके हैं भाई, बहुत बारिश थी, बहुत ज़्यादा बारिश, बस आ गया रूम पे, अब पूरे गीले हो चुके हैं और थोड़ा करेंगे रेस्ट एंड फिर देखते हैं थोड़ा मसूरी के अंदर ही मॉल रोड वगैरह ही देखेंगे। सो अब निकल पड़े हैं जी गनिल के लिए,
तो रोप पे जाती है वहाँ तक और वो पकड़ेंगे, तो 180 या 200 के आसपास पर पर्सन लगता है, वो लेंगे। और फिर ऊपर एक पॉइंट है, गानल पॉइंट है, वहाँ से बस व्यू दिखता है। पता नहीं अब दिखेगा या नहीं दिखेगा, ऊपर जाके पता चलेगा, तो इसलिए बने रहो आप भी। कल दिख नहीं रहा था, आज दिख रहा था, क्या बढ़िया लग रहा है। नेशनल फ्लैग यार, सेम ऐसी दिल्ली में भी लगा रखे इन्होंने बहुत जगह पे, क्या बढ़िया लग रहा है देखो। ये आ गया रुपये ले लिए। हाँ ये अपनी, ये वाली तो फुल हो गई थी, नेक्स्ट वाली भी जाएंगे। ये ट्रॉली है भाई अपनी, पहुंच चुके हैं, उतर गए गंडोला से। एंड ये है पीछे सारा, अब आपको मैं दिखाता हूँ सही से। ये छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं हर चीज़ की, खेलने की, फोटोज खिंचाने की, खाने पीने की, ऐसा छोटे छोटे से सारी चीज़ें बनी हुई हैं। और रेस्टोरेंट वगैरह भी यहाँ पे। बाकी ये पॉइंट आगे वो है, गन पॉइंट जहाँ लिखा ना दिख रहा है, यानी ये देखो वहाँ जाते हैं, ये पॉइंट है भाई। ये मंदिर भी है इधर एक छोटा सा, माँ पार्वती मंदिर। ये व्यू ऐसे देखा जाए तो कोई ऐसा कोई खास व्यू है नहीं यहाँ से, और वही है बस, चार पांच दुकानें बनी हुई हैं, खाना पीना है वो देख सकते हो। ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी का, ठीक है। इधर आप आगे थोड़ा बहुत एंजॉय कर सकते हो, वेदर एंजॉय कर सकते हो, अदरवाइज़ देखने लायक कुछ इतनी कोई चीज़ है नहीं यहाँ पर। और एक ये एंड पॉइंट लिखा, ये भी दिखा दो तुम, वेलकम गन पॉइंट दिस लैंड। यहाँ आम रास्ता नहीं है, कुत्तों से सावधान। ओके ये है भाई बेसिकली, तो मंदिर भी है यहाँ पे। जय श्री भाई, इतने बड़े कचालू कभी देखे जिंदगी में? ओ भाई चलो ये खा के देखते हैं हम कचालू की चाट। मसूरी की पूरी स्टोरी लिखी हुई है इसमें। बेसिकली ये कैप्टन यंग ने डिस्कवर करा था 1827 में। और मसूरी जो है एक प्लांट का नाम होता है, मंसूर से आया इसका नाम इन लोकल लैंग्वेज भाई। और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है मसूरी का, एट 2024 फीट्स पे, द हाईएस्ट पॉइंट इन इज़ लाल टिब्बा। अच्छा द हाईएस्ट लाल टिब्बा सबसे हाईएस्ट है। बेसिकली इस हिल पे ना एक कैनन माउंटेड थी 1857 में, उसके बाद से इसका नाम गन हिल पड़ गया है तब से। चालू फेल हो गए हैं, अब आ गए हैं शक्करबंदी भाई, ये कहाँ देखते हैं जी। ठीक है चलो जी, वापसी की तैयारी हो चुकी है, कचालू वचालू और वो चाट बूट खा लिए, अब बस नीचे चलते हैं एंड देखते हैं क्या करते हैं। थोड़ा बहुत घूमेंगे आंडेंगे, इधर उधर फिरेंगे और फिर कहीं खा लेंगे रेस्टोरेंट पे एंड एंड करेंगे डे को। बाकी कल वापसी है हमारी, फिर कल देखते हैं क्या करते हैं। कल वापस ही सीधा, वैसे तो सुबह सुबह ही है, मॉर्निंग ही है, छोड़ देंगे। अपना रिचुअल पूरा करते हुए भाई, फ्रिज मैगनेट तो लेके जाना ज़रूरी है अभी। एंड वापस वही सेम रेस्टोरेंट में, कल खाना बहुत बढ़िया था तो आज इसीलिए सेम में वापस आए। सो गाइस वापस आ चुके हैं, जैसे कि खाना पीना कर लिया है, डिनर बहुत बढ़िया था, जैसे कि आपको कल दिखाया ही था, रेस्टोरेंट अच्छा है। अगर कोई आ रहा है तो ज़रूर जाए उस रेस्टोरेंट में, खाना अच्छा है उसका।
और अब यार बारिश में आज जैसे कि आपको पता भीग गया था तो इतनी थकान सी हो गई है ना, अब बस दिल कर रहा है कि बस बेड पे लेटूं और सो जाऊं। तो अगर आपको ये छोटी सी हमारी ट्रिप अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो, देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन जरूर दबाइएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली बार ऐसी कुछ बढ़िया सी वीडियो में, टिल देन बाय बाय।